नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों, वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी, उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों, वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी, उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया,
और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस कमाके धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसी प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस कमाके धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसी प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है,
पठ्यकथा की है, सूरज आर बड़जात्या, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जात्या ने किया है, पठ्यकथा की है सूरज आर बड़जात्या, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ,
आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह।
हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव
रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसिर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसिर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ,
ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है।
फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म
2006 में बनी फिल्म है जिसपे कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है जिसपे कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार,
और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों, वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों, वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया,
और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है।
वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जात्या ने किया है, पाठ्यकथा की है सूरज आर बड़जात्या, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जात्या ने किया है, पाठ्यकथा की है सूरज आर बड़जात्या, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये,
और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी। विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे,
इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में।
दोस्तों आज की इस कमाके धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस कमाके धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा,
आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस कमाके धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसिर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस कमाके धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसिर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहनीश बहल,
अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज कुछ जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है।
फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म
2006 में बनी फिल्म है जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार,
और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है, वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और ये किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है, वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया,
और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है,
पटकथा की है, सूरज आर बढ़ जाता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों, वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये। और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है। और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजसिर प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना, आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों, वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये। और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ,
आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनी मोहिनीस बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और इंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से। क्योंकि
क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई और एंटरटेनमेंट वीडियो में, मूवी रिव्यू के वीडियो में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है विवाह। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विवाह का कहानी क्या है, विवाह फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट ने लीड रोल में अपना निभाया है किरदार, और किस तरीके से विवाह फिल्म हिट साबित हुई थी, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और यह किस तरीके से कब पब्लिश की गई थी, कब इसकी कितनी कमाई हुई थी, विवाह फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपको किस तरीके से शाहिद कपूर दिखेंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे हम सारी जानकारी विस्तार से, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी एंटरटेनमेंट और इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजफुल जानकारी समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह फिल्म 2006 में बनी फिल्म है, जिसमें कि हिंदी भाषा में फिल्म है ये, और इसमें आपको लीड रोल में भी दिखेंगे कमा एक बेहतरीन किरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर बड़जायता ने लिखा है और निर्देशित किया है, और इसमें आपको लीड रोल में शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है, और उसकी सगाई से लेकर शादी उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन भी सूरज आर बड़जायता ने किया है, पटकथा की है सूरज आर बड़जायता, कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। और आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेता जो आपको दिखेंगे वो शाहिद कपूर, अमृता राव, मोहिनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ। जी हाँ, ये आपको बता दें कि 10 नवंबर 2006 में रिलीज़ की गई थी, और इसका हिंदी भाषा में किया गया था पब्लिश। इसका बजट जो है, कुल लागत जो है वो 80 मिलियन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बॉक्स ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में कलेक्शन जो हुआ था 539 मिलियन का हुआ था। जी हाँ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग ये मूवी है, आप भी अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मूवियाँ जो है ना आपको एक जीव रियल लाइफ से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग है। मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।